ये क्या कर रहा है? लगाऊं तेरे बुद्धि पे? प्रोटीन का जो खराब कर रहा है, पता है कितना महंगा प्रोटीन आता है, ऊपर से खराब और कर ले इसको दूध डाल के। तो दोस्तों बहुत से मेरे छोटे भाई हैं जो नए नए जिम में जाते हैं, या बहुत पुराने लड़के भी हैं जो ये गलती करते हैं, दूध में प्रोटीन पीते हैं। दूध में वर्कआउट के बाद कभी भी प्रोटीन नहीं पीना चाहिए। आपको पता है दूध में फैट होता है, इसके अंदर 80% तो कैसीन प्रोटीन होता है जो 7 से 8 घंटे तक हजम होता है, 8 घंटे में हजम होता है दूध, ठीक है। अब तूने प्रोटीन डाल दिया, प्रोटीन तो चल रहा आइसोलेट, ठीक है। अब गलती क्या कर रहा तू, ये हो गया आइसोलेट प्रोटीन, ये हो गया कैसीन, दोनों मिक्स कर दिया, कितनी देर में हजम होगा ये? 8 घंटे में। वर्कआउट के बाद क्या चाहिए? जल्दी से हजम हो जाए। तो प्रोटीन को हमेशा पानी में ही पीना चाहिए, चाहे नया बच्चा हो चाहे कोई पुराना हो। तो बहुत जो गलती करते हैं, इस गलती को सुधारो, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। पानी में प्रोटीन जल्दी हजम होता है, ज्यादा असर करेगा। जय श्री श्याम।